हेलो एवरीवन, जो आज का टॉपिक है वो है कंप्रेसिबिलिटी एंड वर्क मॉड्यूलस। कंप्रेसिबिलिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वर्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के, विच इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जो वर्क मॉड्यूलस है वो क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो है। अगर हम एक सिस्टम ले लें, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और हम मान लें कि जब प्रेशर पी था उस टाइम पे वॉल्यूम क्या है, वी है। लेट सपोज हम प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, डी डेल्टा पी से अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को यहाँ इंक्रीज करेंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम कितना कम होगा? डेल वी कम हो जाएगा। ठीक है, कंसिडर अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन वेयर ये वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस इनक्लोज इन द सिलेंडर। ये कौन सा वी है? जो गैस का वॉल्यूम है जो सिलेंडर के अंदर है। पी द प्रेशर ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम इज वी। लेट द प्रेशर इंक्रीजेज टू पी प्लस डी पी, देन द वॉल्यूम गैस डिक्रीजेज फ्रॉम वी टू वी माइनस डेल वी। यहाँ वी से क्या हो जाएगा? वी माइनस डेल वी, इतना एरिया, इतना प्रेशर, इतना वॉल्यूम यहाँ पर अब बचेगा। ठीक है, देन इंक्रीज इन प्रेशर क्या हो जाएगा? डी पी। प्रेशर का इंक्रीज तो इतना ही हुआ, पी प्लस डी पी, तो प्रेशर का इंक्रीज क्या हुआ? डी पी। इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या हो गया? डी वी हो गया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के क्या आया? माइनस, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। वॉल्यूम हमारा क्या हुआ? कम हुआ। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ जाएगा? माइनस डी वी अपॉन वी। नेगेटिव साइंस मीन्स द वॉल्यूम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होता तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आता, बट दो द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन ओवर हियर। तो एज पर डेफिनेशन वर्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो डी पी अपॉन माइनस डी वी अपॉन वी। अब ये बी कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा, और ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डी पी अपॉन डी वी टाइम्स वी। और ये कंप्रेसिबिलिटी किसका उल्टा होता था? वर्क मॉड्यूलस के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस के डी वी अपॉन डी पी इंटू बी हो जाएगा। थैंक यू क्लास।